होते हैं गलप से रिलेटेड, क्योंकि गलप में लगभग 80% काम जो है अपने बिल्डिंग लाइन से कंस्ट्रक्शन लाइन से आता है, तो इससे रिलेटेड बात करेंगे आज फोरमैन से रिलेटेड। फोरमैन क्या होता है, हालांकि जो फोरमैनी का काम करते हैं उनको पता है, लेकिन जो नए लोग हैं उनके लायक ये शायद वीडियो हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ से तो सब लोग फोरमैन बन के नहीं जाते, वहीं पर बनते हैं, तो उनके लिए भी वीडियो है, जो फोरमैन भाई हैं उनके लिए भी है। तो चलिए शॉर्टली तरीके से दुबई से रिलेटेड फोरमैन से संबंधित अपन आज बात करते हैं। तो सर जी, मैंने हेडिंग रखा है दुबई फोरमैन जॉब से रिलेटेड आज अपन बात करेंगे, इसमें क्या कैसे कितनी तनख्वाह क्या जॉब वगैरह होता है, तो बात कर लेते हैं फोरमैन का मतलब क्या होता है। साथियों, फोरमैन का अपनी लैंग्वेज शॉर्टली एकदम आसान भाषा में फोरमैन को ये बोलते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा है अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, कहीं पर भी मान लीजिए, तो वहां पे जैसे मान लीजिए कम से कम काफी वर्कर है, फोरमैन का मतलब होता है कम से कम 100, 150, 150, 200 लोगों के ऊपर जो एक मेन आदमी होता है, जो उनमें सबसे ज्यादा सीनियर होता है, उसको उस काम जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसका उसको अनुभव है, कम से कम 5 साल 10 साल 15 साल का अनुभव है, वो उन सिस्टम को उन आदमियों और जो वर्कर हैं उनके माध्यम से उस सिस्टम को अंजाम देता है, यानी उस प्रोजेक्ट को पूरा करता है, वो उसको सिस्टम को मेंटेन करता है, समझ गए, यानी मैनेजमेंट संभालना। जो मान लीजिए 100 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई तो होगा ना उनको मेंटेन करने वाला, ये काम आप करो, ये इतना डिसाइड करना, उनको काम पे जॉब लगाना, उनको आगे साइड वगैरह बताना, उनको सिस्टम के बारे में आगे बताना, क्योंकि वर्कर का क्या मतलब है, उनको तो जितना बताया जाएगा उतना करेंगे, अब काम खत्म हो गया उनका दिमाग थोड़ी चलेगा आगे क्या करना है, वो काम होता है फोरमैन का, वो आगे से आगे उनको इंक्वायरी देते रहते हैं सिस्टम में, आगे से आगे वो फॉलो करते रहते हैं, इसी का नाम फोरमैन इसको बोलते हैं। यानी फोरमैन का मतलब है जो लोग मैन होते हैं उनके, जो वर्कर होते हैं उनके ऊपर जो वर्कर होता है, जो मैन होता है उसको फोरमैन बोलते हैं, वो सिस्टम को मेंटेन करता है, इसके बदले में उसको अच्छी सैलरी मिलती है, पूरी सुविधाएं मिलती है। ठीक है साथियों, इसका जॉब की बात बता दे तो उसके कार्य का मैंने आपको बता दिया, मैनेजमेंट, सिस्टम को मेंटेन करना, वर्करों से काम करवाना, उसको 50, 100, 70, 100 लोग उसके अंडर होते हैं, उनको पूरा सिस्टम उसी के अंडर में होते हैं, वो वर्कर उन्हीं के अंडर में काम करते हैं, उसी को फोरमैन बोलते हैं। अब कंडीशन क्या होती है फोरमैन की, तीसरा पॉइंट अपन ने रखा, कंडीशन क्या होती है फोरमैन की। तो साथियों, फोरमैन हर कोई तो बन नहीं जाता, ऐसे तो फिर यहाँ से जिसको कारीगर का पता है, जिसको काम आता है, वही क्या फोरमैन बन जाएगा, फोरमैन वो नहीं बन सकता। ठीक है, अपनी इंडिया में उनको बोलते हैं ठेकेदार, ठेकेदार का मतलब सुना, एक बिल्डिंग बना रहा है उसमें 100, 150 मजदूर लगे, वो उनको मेंटेन करता है, वो ठेकेदार है। ठीक है, वहाँ पे उसको दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं फोरमैन। अब फोरमैन बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें फोरमैन ही मैं बता दूँ कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, ये नोट करना, क्योंकि हमारे इधर के लोग वो वहाँ पे फोरमैन है जिनको अंगूठा छाप है, जिन्होंने कभी साइन नहीं किया जिंदगी में, वो फोरमैनी का काम करते हैं। वो एक्चुअली में होता क्या है कि जिस कंपनी में लॉन्ग टाइम वो काम करते रहते उनको अनुभव हो जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप फिर वो फोरमैन बन जाते हैं वहाँ पे जाके। ठीक है, फिर उनका कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट बन जाता है फोरमैन, इंटरनेशनल फोरमैनिंग की अगर मोहर लग जाती है कंपनी की तरफ से, तो ओरिजिनल उनके पास एक बॉन्ड होता है, जिससे वो दोबारा कहीं पर भी अप्लाई भी करे तो वो दिखा सकता है कि मेरे पास फलानी कंपनी का ये एक्सपीरियंस लेटर है, फोरमैनी में दोबारा इंटरव्यू देके जा सकता है, उसकी सैलरी भी अच्छी उसमें मिल जाती है। तो कंडीशन ये है कि अनुभव उसको होना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ से आप जाके वहाँ फोरमैन नहीं बन सकते, वहाँ कंपनी में रहते हुए ग्रोथ करते हुए आप फोरमैन बन सकते हैं, फोरमैनी का ये है। आप इंडिया से डायरेक्ट कौन सी जॉब में आप काम कर सकते हो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है साथियों, कंडीशन मैंने बता दी। सैलरी की बात करें तो फोरमैनी में मेरे हिसाब से कम मैंने जो अनुभव किया है, जो काफ़ी हमारे इधर के भी लोग रहते हैं, उनकी सैलरी 2000 से 3000 धर्म के बीच में हो सकती है। फोरमैन की सैलरी सेम कभी नहीं रहती है, बात मान लेना, गलत तो एक ऐसी कंट्री है दुबई, कतर, मस्कत, बहरीन, कोई भी कंट्री, वहाँ पे किसी की भी सैलरी सेम नहीं है। एक कंपनी में 1000 मजदूर है ना, सबकी सैलरी सेम नहीं मिलेगी, ये देख लेना, वो एक्सपीरियंस के आधार पर बढ़ती रहती है। ठीक है, सैलरी में मान के चलता हूँ 2500 धर्म 8 घंटे ड्यूटी। ठीक है, तो ये उसकी सैलरी रहती है मेरे हिसाब से। ठीक है साथियों, रहना मिल जाता है कंपनी की तरफ से, खाना मिल जाता है और मेडिकल सुविधा मिल जाती है, और फोरमैनी में सही अगर सिस्टम देखा जाए तो साधन अवेलेबल होता है, यानी हालांकि कई कंपनियों में नहीं मिलता, लेकिन कई कंपनियों में गाड़ियां भी कंपनी अवेलेबल करा देती है। फोरमैन एक थोड़ा अलग पद हो जाते हैं ना, जो लेबर के ऊपर होता है, जैसे मैनेजर बोल सकते हैं, बैंक में कर्मचारी होते हैं उनके ऊपर मैनेजर होता है, सेम फोरमैनी का ऐसा। तो कई कंपनियों में गाड़ियाँ मिल जाती हैं, लेकिन गाड़ी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती, फोरमैनों को कम मिलती हैं गाड़ियाँ, इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर, उनको गाड़ियाँ अलग से मिल जाती है। रहना खाना मेडिकल इंश्योरेंस फ्री होता है, उसका कोई भी अगर दिक्कत हो जाती है वहाँ पे तो उसका मेडिकल कंपनी की तरफ से होता है साथियों। ठीक है, आना जाना भी इसमें फोरमैन को कंपनी प्रोवाइड करवा देती है, रहना खाना आना जाना, ये सिस्टम फोरमैन से रिलेटेड
पीरियड होता है साथियों, तो मैंने मेरे हिसाब से इसमें इंक्वायरी दे दी है। 2 साल का अग्रीमेंट होता है, एक्सपीरियंस के आधार पर इसमें जॉब आगे से आगे मिलता रहता है, तो मेरे हिसाब से मैंने पूरी इंक्वायरी दे दी है। फिर भी अगर आपको लगता है कुछ बातें छूट गई तो आप कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में उसको शामिल कर लेंगे। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, ताकि अन्य लोगों को भी इस चीज़ का नॉलेज हो सके, फायदा हो सके। ठीक है साथियों, तो मैंने इस मेरे हिसाब से क्लियर किया।